भारत सरकार के निर्देशों के बाद देश में चौथा लॉकडाउन चल रहा है। दूसरी ओर सामाजिक दूरी बनाए रखने के हित में स्कूल सभी धार्मिक समारोह आदि बंद कर दिए गए हैं। पुजारी और सेवा कर्मचारियों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि धार्मिक सेवाएं बंद हो गई है। इन लोगों को अपना परिवार चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है और इस संकट के इस समय में राज्य भर के मंदिरों और मठों के पुजारियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम शुरू किया है। पुजारियों को सम्मानित करने के अलावा इस कार्यक्रम में असम के विभिन्न मंदिरों में खाद्य सामग्री वितरित की गई है। 24 मई के दिन गुवाहाटी महानगर में विश्व हिंदू परिषद की योजना से उत्तर गुवाहाटी में दौल गोविंद में दो नामघर के प्रमुखों मणिकेश्वर मंदिर के 7 पुजारियों और औनित्य सत्र के 11 लोगों, अश्वक्लांत मंदिर के 6 पुजारियों तथा दीर्घेश्वर देवालय में 8 पुजारियों को खाद्य वस्तु व दक्षिण अर्पित की। अब तक पूरे नामघर मंदिर संपर्क अभियान में कुल 393 पुजारियों को खाद्य वस्तु तथा दक्षिण अर्पित किया गया है तथा देश में आई महामारी के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना भी की गई। आज इस कार्यक्रम में गुवाहाटी क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री दिनेश तिवारी तथा धर्म जागरण समन्वय विभाग के प्रमुख श्री योगेश शास्त्री तथा कला क्षेत्र के सचिव श्री सुदर्शन ठाकुर, विश्व आयुर्वेद परिषद नॉर्थ ईस्ट के संयोजक श्री उमापाल लोवांग जी, उत्तर पूर्व प्रांत संपादक श्री पल्लव पराशर तथा प्रांतीय समन्वय प्रमुख श्री कृष्णा कुमार सिंह, महानगर विशेष संपर्क प्रमुख श्री अरूप लाहकर, महानगर के अध्यक्ष श्री दिवाकर बोरा, महानगर संपादक श्री चंदन राभा तथा उत्तर गुवाहाटी के प्रखंड संपादक श्री ज्योति प्रसाद तामोली, प्रखंड मठ मंदिर प्रमुख श्री मुकेटेश्वर गोस्वामी, श्री प्रसन्नजीत कोच तथा अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि वह भविष्य में भी पुजारियों और सेवा कर्मियों को इस प्रकार सहायता और सम्मान करना जारी रखेगा। असम हेडलाइंस न्यूज के लिए गुवाहाटी से कामरूप ब्यूरो पंकज नाथ की रिपोर्ट।